आज से पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट के बदल गए हैं नियम। आरबीआई के निर्देश के मुताबिक शुक्रवार 1 अक्टूबर से लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि पर ऑटो डेबिट पेमेंट के नियम में बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत ग्राहकों को पहले से मैसेज आदि भेजकर जानकारी दी जाएगी। इस बारे में नियमों को लेकर तरह तरह के कंफ्यूजन है। आइए समझते हैं ये नियम किन पेमेंट के लिए है और किस तरह से लागू होगा। रिजर्व बैंक ग्राहकों के भुगतान की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए तरह तरह की व्यवस्था करता रहा है। रिजर्व बैंक ने इसके लिए एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है। इसका मतलब है ग्राहक से किसी पेमेंट से पहले एक बार और पुष्टि कर लेना। ये पुख्ता जानकारी ओटीपी या किसी और माध्यम से हो सकती है। तो ई मैंडेट के तहत अब 5,000 से कम रकम पूर्व सूचना देकर काटी जाएगी और इससे ऊपर की रकम पर AFA सिस्टम यानी ओटीपी के द्वारा पेमेंट लागू होगा। क्यों हुए हैं बदलाव? आरबीआई को कई पक्षों से यह अनुरोध मिला था कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के रिकरिंग ट्रांजेक्शन मर्चेंट पेमेंट पर ई मैंडेट की सुविधा दी जाए। इसके लिए एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन हो और बाद में हर बार ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन से पहले एक मैसेज के द्वारा ग्राहकों से पूर्व इजाजत ली जाए। इसे रिजर्व बैंक ने स्वीकार कर लिया। हालांकि बैंकों द्वारा समुचित तैयारी न होने की वजह से ये कई बार टलता रहा, लेकिन अब रिजर्व बैंक ने और मोहलत देने से इनकार किया है और 1 अक्टूबर 2021 से इसे लागू किया जाना है। किस पर लागू होगा ये नियम? आरबीआई ने साफ किया है कि ये नियम सभी तरह के कार्ड पेमेंट यानी डेबिट, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट जैसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि पेटीएम आदि UPI पेमेंट पर लागू होगा। तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वॉलेट से किसी यूटिलिटी बिल, फोन रिचार्ज, DTH बिल, OTT फीस आदि के लिए मैंडेट दे रखा है तो उस पर ये नियम लागू होगा। होम लोन आदि इसके तहत नहीं आते। होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन आदि के EMI, म्यूचुअल फंड की SIP, बीमा प्रीमियम आदि इसके तहत नहीं आते। बैंकिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे लोन में रकम काफी ज्यादा होती है। अगर इनमें ये सुविधा दी गई तो बैंकों को EMI मिलना मुश्किल हो जाएगा और लोन डिफॉल्ट के केसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए बैंक इनमें ECS आदि का मैंडेट पहले ही ले लेते हैं और जब तक लोन पूरा वापस नहीं मिल जाता पैसा कटता रहता है। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।